चिंता नहीं रहे। अधिकार की बात करने वाले के साथ साथ कर्तव्य बोध के पथ पर जो अग्रणी होकर चलेगा वही समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रांगण में आज खड़े हैं उसका इतिहास 100 वर्षों का गौरवशाली सफर खुद में समेटे हुए 17वीं विधानसभा बीते पल इतिहास में याद किए जाएंगे। आप सबके सनेह समर्थन और आशीर्वाद से मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 20 महीने के छोटे कालखंड में मैंने जन अपेक्षाओं का जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया। विधानसभा भवन के ऐतिहासिक 17वीं वर्ष में मैंने विधानसभा को विधायक की कार्य के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया जिसे पिछले माह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के माध्यम से नई ऊंचाई मिली। विगत 12 अगस्त को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने इस महान सदन के योगदानों की चर्चा की और यह बताया था कि किस प्रकार बिहार विधानसभा ने समय समय पर देश के विधायी विरासत में पद प्रदर्शक की भूमिका निभाई है और आजादी के पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री श्री बाबू से जो सफरनामा शुरू हुआ, आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू से जो सफरनामा बिहार के इतिहास जो गौरवान्वित महसूस किया है वो इतिहास की सफरनामा आज वर्तमान मुख्यमंत्री तक आया है। इस सफरनामा के विकास को हमको आपको मिलकर के आगे बढ़ाना। आज से 20 माह पूर्व जब इस महान सदन के अध्यक्ष का पद दायित्व मिला तो मन में एक ही भाव था, एक ही संकल्प था कि इसके विधायकी प्रणाली को बेहतर करें। एक विधायक के रूप में जो हमने अनुभव किया था उसमें एक सुधार का प्रयास किया। इन 20 महीनों में मैंने हर दिन हर पल यही प्रयास किया, उसमें कितना सफल रहा कितना असफल रहा इसका निर्णय तो इतिहास करेगा। लेकिन मैंने अपनी समझ अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अध्यक्ष के रूप में हर दिन जन अपेक्षा जन सरोकार के प्रति समर्पित रहने का प्रयास किया बिना किसी भय पक्षपात राग द्वेष और लोभ के वही करने का प्रयास किया जो विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षित होता है। मैंने विधानसभा के विधायकी कार्य को पारदर्शी और उत्पादक बनाने का प्रयास किया जिसका परिणाम है कि न केवल सदन के कार्य घंटों में वृद्धि हुई बल्कि प्रश्नों के 100% उत्तर विभागों से आए। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के मैंने सभी माननीय सदस्य को सदन के अंदर अपने कार्यालय में यथासंभव अधिकतम समय देने का प्रयास किया जिसके लिए मेरे ऊपर विपक्ष के प्रति उदार होने का आरोप भी लगता है। लेकिन उसकी बगैर चिंता किए हम अपने सदन के प्रति जिम्मेवारी को निभाते हैं। विधानसभा की संसदीय कमेटी को एजेंडा आधारित बनाकर कार्यपालिका के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए जिलेवार दौरे पर भेजने का कार्यक्रम हमने पुनः शुरू किया। इन दौरों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जो कथनी में नहीं करनी में बदलने का एक प्रयास शुरू किया। कार्यों के समयबद्ध निपटारा अच्छे और ईमानदार लोगों का सम्मान तथा गलत कार्य करने वाले को दंडित करने का प्रयास किया गया। माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए न्यायाचार अभ्यावेदन समिति बनाया गया। विधानसभा को विधायकी कार्यों के अतिरिक्त ज्यादा जनमुखी बनाने के लिए राज्यव्यापी अभिशापों से मुक्त वरदानों से युक्त सम्मानों से पूर्ण सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान चलाया गया। 9 प्रमंडलों सहित 10 जिलों की यात्रा तय करने वाले इस अभियान को जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने अपार समर्थन भी दिया जिसे बिहार विधानसभा की छवि राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी काफी सुधरी है। और मैं कहना भी चाहूँगा कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त 5 सामाजिक वरदान से युक्त 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण ये कार्य को आगे बढ़ते रहना है बढ़ाते रहना है। विधायकी कार्य की विश्वसनीयता इससे बढ़ेगी, विधायकी कार्य इससे सबल होगा और खास करके कि हमें सिर्फ शराब मुक्ति की बात नहीं नशा
का अभियान अपने घर से शुरू करना है। हमें अपराध मुक्त परिवार सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं आर्थिक क्षेत्र में भी अपराध मुक्त परिवार बनाना है। ये अभियान को रुकने नहीं देना है। ये अभियान को एक विधायक के रूप में भी पूरे बिहार के हर गांव तक पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है उसको हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम जानते हैं कि बिहार के लोग हमेशा अच्छे कार्य में और अच्छे कार्य करने वाले को उत्साहित करता है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास किया गया कि हमारा समाज सिर्फ सामाजिक अभिशाप से मुक्त ही न हो सामाजिक वरदान से युक्त और सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो, क्योंकि विरासत ठहर गई है। विरासत बिहार संस्कृति विरासत के रूप में धनी था, ज्ञान विज्ञान की भूमि थी, लेकिन क्यों ठहरा हुआ इसके कारण पर नहीं जा करके दो तिहाई नौजवानों की आबादी को इस ठहराव को तोड़कर अपने अपने घर समाज परिवार राज्य का ऐसा गौरवशाली विरासत की लकीर खींचनी है जिस पर पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस करे। तमाम विकारों से मुक्त होकर तमाम बंधनों को तोड़कर हमको आगे बढ़ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति युवाओं को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए हमने स्वयं जिलेवार जाकर बाल युवा सांसद का कार्यक्रम का आयोजन कराया। उसमें भाग लेने वाले बाल युवा साथियों को सदन की कार्यवाही के द्वारा आमंत्रित किया और हमने उन्हें हमारा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर निवेश करवाया ताकि आने वाले लोग जो सिर्फ अधिकार की चर्चा करते हैं उसे कर्तव्य बोध का आभास हो और हमारे बच्चे बड़े उत्साहित होकर के कर्तव्य बोध से अपनी नैतिक जिम्मेवारी के प्रति सजग हुए। प्रतिभा का सम्मान राष्ट्र का उत्थान नामक विशेष अभियान के द्वारा अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास किया। बुद्धिजीवियों को इससे जोड़ने का हमने जिलेवार प्रयास किया। सदन की कार्यवाही को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बिहार विधानसभा का अपना डिजिटल चैनल